हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अहम ऐलान किया है कि सिखां दे नवें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके उत्ते 3 अप्रैल 2022 पानीपत में एक राज पद्धरी समारोह आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में पानीपत में दरबार साहब की रैप्लिका भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके उत्ते कुरुक्षेत्र यूनीवर्सिटी में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम उत्ते एक चेयर स्थापित करने का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के संबंध में गठित राज पद्धरी कमेटी की मीटिंग की अगवाई की है। मीटिंग दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदों ने शमूलियत की। इस तो इलावा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह, अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दरदी, अमृतपाल सिंह ने शमूलियत की। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दरदी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का इतिहास साझा किया, हरियाणा सरकार वालों किए जा रहे उपराले की शलाघा की है। जो भाई जैता जी चांदनी चौंक तो सतगुरु जी का शीस लैके तुरे तो सब तो पहला हरियाणा तरावड़ी के स्थान बड़ खालसा विखे रुके, फिर तरावड़ी रुके, फिर अंबाला रुके। सब तो पहला जदों असीं उन्हां दी जन्म शताब्दी मना रहे हैं तो हरियाणा के जिथे जिथे सतगुरु जी ने शहादत तो बाद जिथे जिथे उन्हां दा शीस टिकाया गया भाई जैता जी वालों उन्होंने यादगारा संबंधिए यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। दूसरी वड्डी गल जो हिंदुस्तान विच मैं पिछले 60 साल तो मीडिया विच काम कर रहा हाँ, लेकिन मैं पहली बारी हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हाँ जो गद्दी उत्ते बैठे प्राइम मिनिस्टर बने। सब तो पहला गुरु तेग बहादुर साहब के फरजंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज को नमस्कार करे और यह कहे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 साहबजादे दुनिया के महान शहीद साहबजादे 14 नवंबर को बाल दिवस किसी होर के नाम से मनाओ तो क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के साहबजाद के नाम से मनाओ। सारे देश के विद्यार्थी, सारे देश के नागरिक गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 साहबजाद श्रद्धा के फुल भेंट करेंगे। जदों दुनिया के लोग गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 4 साहबजाद की जीवनी पढ़ने, उन्होंने शहादत की लासानी गाथा सुनेंगे तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब की जरूर याद आएगी। दुनिया के लोगों को पता लगेगा कि तिलक जंजू राखा प्रभ दांका कीनो बड़ो कलू मैं साका साधन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सीधा उचरी। ये तिलक ये जंजू हिंदुस्तान की जो साड़ी सभ्यता है उसको ये मुगल जालम खत्म कर रहे ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे होनहार पिता जी गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली के चांदनी चौक भी जाके शहादत दे के इस तिलक दे जंजू की रक्षा कर रहे हैं। केवल तिलक जंजू की नहीं, दुनिया के लोगों को उस धर्म की आजादी भी रखी गई शहादत दे रहे हैं जिसनों हरियाणा सरकार हुण अपनी कैबिनेट के विच ये धर्म परिवर्तन का बिल पास करके जड़े लोग लोभ लालच विच या जबरदस्ती लोगों के धर्म चेंज करवाते हैं उसको पास करवा रही है। जिस लिए मनोहर लाल जी तुसी मुबारक दे मुस्तक हो कि गुरु तेग बहादुर साहब की उस महान फलसफे को तुसी हरियाणा की असैंबली विच बिल पास करके प्रगट किया है।